में भी कोई टाइम नहीं है। साथियों, खास करके कोई समाज जो अपने आप को हिंदू कहता है उसको समझना चाहिए कि हिंदू एक गाली है। हिंदू शब्द अरबी शब्द है और जब अरब के लोग इस देश में आए इस्लाम के प्रचार के लिए तो देखें कि यहाँ के सारे लोग हिंदुस्तान सारे लोग इस्लाम हैं और इसलिए वो इनको हिंदू कहे और इस देश को हिंदुस्तान कहे। तो इस बात के लिए जब जो लोग हिंदू हैं जो लोग हिंदू होने का सबूत कांवड़ ढुलाई से करते हैं जो लोग हिंदू होने का सबूत ब्राह्मणों की गुलामी करने के लिए सोचते हैं उन लोग जाग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो जाग गए हैं और यदि छत्तीसगढ़ में किसी एक ब्राह्मण को भी खड़ा कर दिए वो जीते गए। तीन तारीख को हम बेमेतरा जिला में एक आयोजन किए हैं कि एक ऑफिस को जो जिला ऑफिस है उसमें हम घेरबंदी करेंगे और गिनती करवाएंगे कि कितने ब्राह्मण हैं कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो भूपेश बघेल उन लोगों को टर्मिनेट करें और वो लोग बेमानी किए हैं कि शेड्यूल हैं और इसलिए उनको टर्मिनेट करना जरूरी है। साथियों, हम दूसरा जो अभियान चला रहे हैं नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। नक्सलवाद कोई अत्याचार नहीं है, नक्सलवाद अधिकार की लड़ाई है। नक्सलवादी कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं इस देश में वो यहाँ आ रहे हैं और जगदलपुर और जितने भी नक्सलवादी क्षेत्र हैं उसमें हमारे जमीन को कब्जे कर लेते हैं, मकान को कब्जे कर लेते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणवाद चलाते हैं और इसके लिए नक्सलवाद की लड़ाई है। ठीक ऐसे ही कश्मीर में लड़ाई है पत्थरबाज की और जो लड़ाई कर रहे हैं वो सही है। एक की लड़ाई जो है सबसे बड़ी लड़ाई है और उसके लिए बंदूक यदि चलाते हैं पत्थर चलाते हैं वो जायज है, नाजायज नहीं है। इसलिए हम भूपेश सरकार से ये मांग करते हैं कि नक्सलवादी क्षेत्र में धारा 5 अनुसूची 5 लागू किया जाए और अनुसूची 5 यदि लागू नहीं होता तो पुलिस उनके लिए लड़े। नक्सलवादियों के पक्ष में पुलिस जब से लड़ने शुरू करेगी तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में तमाम ब्राह्मण लोग मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं और वो हमेशा रुकावट डालते हैं, पिछड़े वर्ग के कोई भी समस्या है उसको वो सुलझाने के प्रयास नहीं करते। ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए। मेरा एक है जो आगे अभियान चलाऊंगा वो नक्सलवाद के जो क्षेत्र है कांकेर और बस्तर उसमें 16 आदिवासी विधायक हैं जिनका कुछ चलता नहीं है, सारे ब्राह्मण लोग उस पर राज करते हैं, उन सबको एक करके एक आवेदन मुख्यमंत्री के नाम से हम बनाएंगे और जितने बस्तर में ब्राह्मण एनजीओ है कलेक्टर है सारे पदाधिकारी हैं उनको टर्मिनेट किया जाए और उन पर जांच आयोग बैठाया जाए कि कितना गबन किया हो, कितना पैसा तुम्हारे पास है उसकी जांच किया जाए और वहाँ पर आदिवासी कलेक्टर हो, आदिवासी एनजीओ हो, सारे अधिकारी आदिवासी हो तो नक्सलवाद की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज सबसे बड़ा दुखद सवाल यह है कि हमारे ओबीसी और एसटी के तमाम सब लोग मुस्लिम तमाम सब लोग IAS IPS की परीक्षा दिलाते हैं वो रिटर्न में पास हो जाते हैं और ओरल में ब्राह्मण लोग फेल करते हैं। विवाह मेरी लड़की के साथ हुआ है, भूपेश की बहन के साथ हुआ है,
वो भूपेश की जो बहन है वो एकदम इंटेलिजेंट है, भूपेश से ज्यादा इंटेलिजेंट है। दो बार आईएएस में पास हुई, लेकिन विद्याचरण श्यामचंद ने उनसे दो बार रिटर्न में फेल किए, ओरल में फेल किए। ब्राह्मण लोग वहाँ रहते हैं और हमारे लोगों को ओरल में फेल कर देते हैं, इसलिए हमारे पास कलेक्टर कमिश्नर आईएएस आईपीएस नहीं हो रहे हैं। और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो रिटर्न में तो पास हैं लेकिन ओरल में फेल हैं, उन सबको कलेक्टर कमिश्नर आईजी वगैरह सब बनाना चाहिए। और इनको ये जो ब्राह्मण लोग लूट रहे हैं छत्तीसगढ़ को, उसको उसकी लूट की जांच की जाए, टर्मिनेट की जाए। और यदि जांच की जाए तो एक भी ब्राह्मण नहीं बचेगा। मेरा ये कहना है हम ब्राह्मणों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी जो भाव है उसके विरोध में है। वो ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा के रूप से पैदा हुए हैं और तुम लोग स्वयं से पैदा हुए हैं। रावण ये कहते थे कि एक भी वो दिखा दो कि मुख से पैदा हुए, हम वंशी हैं, अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। और तुम यदि ब्राह्मणवादी हो, मुख से पैदा हो, तो एक आध ब्राह्मण को दिखा दो कि मुख से पैदा होने के लिए। तो साथी हो ये मनुष्य पीढ़ी को या तो ये ब्राह्मण लोग कोलकाता से वापस चले जाएं, या फिर यदि रहते हैं तो ये नवागढ़ योजना आरम्भ करें, ये इनकी औरतें खेत लीनना चालू करें, ये रोपा लगाना शुरू करें। जिस तरह हम रहते हैं उस तरह उनको भी रहना चाहिए। यदि नहीं रहते हैं इनको वापस कोलकाता जाना चाहिए, क्योंकि राहुल सर केजरीवाल ने लिखा है कि कोलकाता से गंगा जो ब्राह्मण है वो चारा की खोज में, शिकार की खोज में वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर आए, काश्मीर सागर आए। वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में आए, सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो पूर्वी जाति है उसने जवाहरलाल नेहरू के अनुसार 25,000 साल पहले ब्राह्मणों के आगमन के 25,000 साल पहले वो जियो और जीने जो के सिद्धांत बनाए, और पूर्वी समाज को समाज है जो रक्षा किया लोगों का, इसलिए उसको राक्षस कहा गया है। जो रक्षा करता है वो राक्षस, जो दान देता है वो दानी, और जो दया करता है वो दयालु। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माण किया और हम सब एक जाति के अलग अलग काम में बचे हुए थे। आज जैसे कोई एक डॉक्टर है उसकी चार बेटे हैं, तो एक बेटा नेता बनता है और एक बेटा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उनकी जाति यही रहती है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में हम काम का बंटवारा किए थे और हमारी तमाम जातियाँ एक थी और एक दूसरे से शादी ब्याह होता था, जैसा अभी सिविल मैरिज भी हो रहा है। तो साथियों हम एक क्यों थे, इसका उसके सबूत क्या है? गुजरात का जो कुर्मी है वो बंगाल के कुर्मी से मैच खाता है, उसकी संस्कृति एक है। 5,000-25,000 साल पहले हम एक थे, बाइफर्केट हुए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कुर्मी हैं और तमाम जातियाँ हैं जो अलग अलग काम में बचे थे। वो सब काम में हमको बंटवारा कर दिया गया और हमको मार्ग करके लिए ब्राह्मण लोग जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था स्थापित किए और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और ये यदि ईमानदारी से चाहते हैं कि देश में रहना, तो वर्णवादी व्यवस्था, ब्रह्मा के पैर से पैदा होना, मुख से पैदा होना, ये तमाम सब बातें गंगा में डुबो दें, मनुष्य पीति को डुबो दें और भाईचारा के साथ रहें। हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में तीन बातें कहते हैं, एक जो समाज की बंटवारा हो, 13 तेरी 13 कुर्मी 13 अन्य पिछड़ी जात 39 और 12 51 फीट जनरल है, उसमें 12 कट जाता है, तो ब्राह्मण बने ठाकुर और मुसलमान बांट लो, और बांट करके एक साथ हम भी शुरू कर रहे हैं।
बाल छत्तीसगढ़ में बजट की कमी नहीं है, यदि उसको भ्रष्टाचार से मुक्त बजट बनाए तो बाल स्वर्ग आ सकता है, सारे सुख सुविधा हो सकते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण ये कहते हैं कि केवल हम ही राज करेंगे और सारे जो ये ब्राह्मण हैं वो कुछ पदों में बैठे हैं और एक भी काम नहीं करते, पिछले वर्ग का एक भी काम नहीं करता है, विधायकों का काम नहीं करता, विधायक परेशान है। तो इस तरह से जो बात होगी वो उनको सस्पेंड करके उनकी जांच की जाए और उनको विकास बाहर कर दिया जाए और जो फेल आईएएस आईपीएस उच्च अधिकारी हैं उनको प्रमोट करके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पर आ जाए। स्वीकार करे ना करे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक भी ब्राह्मण आईएएस आईपीएस कलेक्टर वगैरह नहीं रहेगा, वहाँ आदिवासी के जो लोग हैं वही रहेंगे। ये हम उस तारीख में भेड़ में आंदोलन कर रहे हैं और जिन लोगों को आना है वहाँ तमाम ब्राह्मणों को निकाल पारित करेंगे और केस चलाया जाएगा कि तुमने धोखा दे प्रवेश किया है, यहाँ आदिवासियों का हक हटाया गया है, एसटी का हक मारा गया है, उसका प्रमाण देंगे और नए अभियान पूरे देश में चालू करेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है हम मोदी सरकार से भीख नहीं मांगे, हम आरक्षण दो ये भीख नहीं मांगे, हम अधिकार को कब्जा करेंगे। क्यों कब्जे करेंगे, कैसे कब्जे करेंगे, हमारा जो है सोम पार्टी है और एक ये चल रहा है एनजीओ वो है मतदाता जागृति मंच। सोम पार्टी के द्वारा पूरे देश में हम पूरे देश में तो नहीं लेकिन महाराष्ट्र से पंजाब तक और गुजरात से लेकर आसाम तक और बांग्लादेश तक हमने तैयार कर लिया है। विधायक सांसद सारे हमारे तय हैं कि यदि अवसर आएगा तो आप विधायक के लेना सांसद के लेना और इसमें ये परिस्थिति पैदा हो रही कोई भी सामान्य जी हो हमारे मंदिर से नहीं खड़ा हो जाएगा कि वो जीतेगा नहीं, क्योंकि वो हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा ये कांतिराम जी का नारा है और उस नारे को हम सार्थक करेंगे और इसलिए हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम सत्ता अधिकार करेंगे, सत्ता पर अधिकार करेंगे और राहुल गांधी जो उनके दामे देना चाहते हैं मेरे बाहर रख करके ना चले, वो ब्राह्मण नहीं है, उसका बाप बाप ब्राह्मण नहीं है, उसकी माँ ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना बनाना चाहते हैं लेकिन वो बनेगा तब ना पूरा तैयार नहीं होगा तो बराती कैसे आएगी। तो ये कहते हैं कि भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। मेरा बेटा बड़ा बेटा सीएम बना है, छोटा बेटा को मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। कांग्रेस से नाराजगी नहीं है लेकिन कांग्रेस में जो चुनाव चयन पद्धति है उससे नाराजगी है, जो पिछले समय लोकसभा में जो चयन किया था वो गलत चयन किया था, ब्राह्मण बनिए ठाकुर को ही प्राथमिकता दी गई थी और उसे अब वो पिछड़ा वर्ग नहीं देगा, उसको वो सवा ये एससी एसटी नहीं देंगे और जो वोट नहीं देंगे तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। इसलिए यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो एक कमेटी बनाई जाए एसटी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी की, जो प्रत्याशी चयन करे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तब होगा और प्रधानमंत्री बनाऊंगा। मेरा वादा है कि राहुल गांधी दूल्हा बनने के लिए तैयार हो तो हम बराती ले आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।